हमारे शहर में एक ख्वाब था कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम एक ही प्लॉट के अंदर जंग के तमाम कारखानों को जमा करें और वो जमीन पर सकीन बनती भी नजर आए। मैं जब पहली मरतबा अपने चैम्बर के दोस्तों से मिला, अल्लामा मोहम्मद अहमद नदियानवी साहब और मुझे इन दोस्तों ने दावत दी, हम मिले तो हमने एक अजम का इजहार किया। लेकिन सही बात यह है कि उस वक्त मंजिल बड़ी धुंधली थी, लेकिन मैं ये कहने में हक में जानिब हूँ कि आप लोगों के बेहतर माहौल को पैदा करने के लिए हम मुखलिस थे। आप दोस्तों ने जो हमारे साथ मोहब्बत की, आप उसमें मुखलिस थे। आपके उस तआवुन को लेने के बाद जो हमें मैंडेट मिला, हमने अपने उस सफर को जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है हम आज एक ऐसे नतीजे तक पहुंच गए कि ये मेरा पहला साल है कि मैं एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा होकर आपको ये कहने की पोजीशन में हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत हमने की थी वो नतीजा खेज है। वरना मैं डरता था उस वक्त से कि यहाँ बहुत से लोग आए और चले गए। मैं किसी की मेहनत पे शक नहीं करता। हमारे मरहूम मियां इकबाल, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आली मकाम दे, वो हमारे पैनल में आने वाले सबसे पहले एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए जिनको हमारे ग्रुप ने नामजद किया था, उनके जवान साल बेटे मियां हसनैन साहब मेरे भाई तशरीफ फरमाए। उनके बाद हमारे मियां आबिद हुसैन साहब हमारे ग्रुप से थे। उनके बाद हमारे शेख हाकिम अली साहब हमारे ग्रुप से थे। उसके बाद एमपीए मौलाना आजम तारिक शहीद रहे, हमारे ग्रुप से थे। उसके बाद खालिद सरगाना रहे, हमारे ग्रुप से थे। उसके बाद शेख मोहम्मद याकूब साहब रहे, हमारे ग्रुप से थे। उसके बाद मौलाना मसरूर साहब रहे, हमारे ग्रुप से थे। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसी ग्रुप से हूँ। ये 30 साल में आज जो नतीजा मिलने जा रहा है, मैं कतई नहीं कहता कि इसमें आप मुझे क्रेडिट दें। ये मेरे पीछे पूरी टीम है जिन्होंने 30 साल मेहनत की, अपने अपने हिस्से का काम किया और आज हम एक मंजिल को देखने की तरफ जा रहे हैं।